नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज मैं सभी का सामने हमारे घर आंगन में पाया जाने वाले एक पौधा, सभी इसका फल खा के मिठास तो मिलता ही है। और सभी को, सभी से प्रार्थना अनुरोध है, आप सभी इस पौधा हमारा एक दवा के रूप में उपस्थित है हमारे इस भारतवर्ष में, पूरा विश्व में पाया जाता है। इसका नाम है अमृत मधुराम, अलग अलग भाषा में है। इसका लाभ सबको उठाना है, क्योंकि आज ऐसे बारिश के समय, हमारा लॉकडाउन के समय, अब मेडिकल हॉस्पिटल फार्मेसी में जाना थोड़ा सा दिक्कत लगता है कोरोना वायरस के कारण। फिर भी पतंजलि स्वामी रामदेव जी ने तो कोरोनिल तो निकल दी, फिर भी हम रोज़ योगा प्रैक्टिस करें, फिर भी ऐसा मौसम में, खेत का समय में, कभी ना कभी हमारा एक पेट में कुछ ना कुछ एक समस्या हो जाता है, खाने पीने के कारण या कुछ हवा पानी के कारण, जो डायरिया, डिसेंटरी, जो बहुत दुखदायक रोग है, रोग सबके लिए बहुत दुखदायक होता है, कोई नहीं होना नहीं चाहता रोगी, फिर भी हो जाता है। ये कभी कभी हमारा शरीर का प्राकृतिक नियम है। कभी कभी पेट साफ होने के लिए एक बार कभी लॉस मोशन हो जाए, डायरिया हो जाए, डिसेंटरी हो जाए, कभी कभी स्वास्थ्य के लिए लाभ भी होता है, कि ज़्यादा होने से लॉस हो जाता है, हमको बहुत हानि हो जाती है, कष्ट होता है, डायरिया, डिसेंटरी, लॉस मोशन जो भी है। अब इसका ये सब पत्ता को, ये जो नया नया पत्ता है आप देख रहे हैं, ये इस नया नया पत्ता को आप ऐसे ही पीस के रस निकाल के पी लीजिए, और जिसको ऐसे ही इसको पूरा गर्म पानी में, थोड़ा हल्का गर्म पानी में या पानी में साफ कर ऐसे सुबह के खा लीजिए, और इसमें थोड़ा सा एक गिलास पानी पीने से आपका डायरिया, डिसेंटरी, लॉस मोशन ठीक हो जाता है। और इसको आप खारा बना के पिए, पत्ता को पूरा सा पीसना है, पूरा गर्म पानी, जैसे आप चाय पीते हो ऐसे आप खारा बना के पिए, इससे पूरा शरीर का एब्डोमेन सिस्टम ठीक हो जाता है। इसका फल ऐसे तो आप अलग अलग प्रकार से आपका एडिक्शन के लिए भी इसका फल जो है ना बहुत लाभ करता है, वो अलग 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 बहुत कुछ लाभ है। फिर भी हमारा जो एब्डोमेन, पेट, डायरिया, डिसेंटरी के सबसे अच्छा कारण रोग यही है। अब इसमें थोड़ा आप जिसको डायरिया, डिसेंटरी हो, ORS पिए, और जिसको ORS भी अवेलेबल नहीं है, घर में आंगन हर सामने में घर में फार्मेसी मेडिकल जाने का संभव नहीं है, तो आप सबको मालूम है थोड़ा सा नींबू का जूस, थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक मिला के यही है ORS, खुद भी बना के आप पी सकते हो, और ये है आपका डायरिया, डिसेंटरी सबसे अच्छा है। आप स्वस्थ खाइए, साफ सुथरा रहिए, और अच्छा खाइए, ताज़ा खाओ, स्वस्थ रहो, और योगा प्राणायाम तो करना ही है। और ये है आपका सामने अमृत, जो हमारा गोवा भी अलग अलग प्रकार से भाषा में है, ये आप घर में लगाइए, इसको आप देखने के लिए भी सुंदर है, खाने के लिए आपका रोग को मिटाने वाला है, मिठास भी बहुत है, और आपको बाजार में बिकेगा तो भी पैसा मिलेगा, और ऐसे खाएगा भी तो रोग को भगाएगा। ये है सबका सामने प्रस्तुत है, हमारा भारतवर्ष में पाया जा अपना घर आंगन में है, और ये आपका दुख को ठीक करने के लिए आपका इंतज़ार कर रहा है। आप घर में लगाइए, खूब खाइए। सभी को नमस्ते, प्रणाम, ओम।